नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे चैनल में। मैं ललित शर्मा अबेकस ज्ञान से। अक्सर काफ़ी लोग मेरे को कॉल करके पूछते हैं कि सर ये अबेकस कितने टाइप के होते हैं और हमें किस प्रकार का अबेकस हमारे बच्चों को देना चाहिए और मार्केट में अलग अलग डिज़ाइन कलर और अलग अलग रूट के अबेकस मार्केट में देखे जा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा अबेकस हमारे लिए सूटेबल है या क्या अलग अलग अबेकस का अलग अलग यूज है। आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, जिससे आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप चाहते हैं इस प्रकार के मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ इस टॉपिक्स पर, एजुकेशन से रिगार्डिंग, बिजनेस से संबंधित या टाइप ऑफ अबेकस, बुक्स है, अलग अलग टॉपिक पर लेके आऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अबेकस को का टाइप समझना है तो हम इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे साइज के आधार पे, यानी हम लोग अबेकस के अलग अलग बिट्स के नंबर ऑफ बिट्स के बेस पर, साइज के बेस पर अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, कलर डिज़ाइन के आधार पे कर सकते हैं और फैसिलिटी के आधार पे कर सकते हैं हम लोग, और एक होता है क्वालिटी के बेस पर। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें कि कितने रोड के अबेकस आते हैं, वो रोड्स का क्या क्या यूज़ है, तो आपको बता दूं मैं कि अबेकस के हिसाब से, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अबेकस जो केवल 7 रोड का है। अगर आप 6 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं, खास तौर पर किड्स को, तो आप इस प्रकार के 7 रोड का अबेकस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 13 रोड, 15 रोड एंड 17 रोड, इवन 19 रोड का भी आता है, लेकिन हमारे लिए कौन सा बेस्ट है ये इम्पोर्टेंट है। तो हम देखें, ये कहा जाता है कि जितने रोड्स होते हैं उतनी रोड्स का आप लोग कैलकुलेशन बच्चों को करा सकते हैं। हालांकि 17 और 19 रोड तक आप कैलकुलेशन एक अबेकस के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग 5 या 6 डिजिट से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराते। उस केस में आप लोगों के लिए 17 या 19 रोड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6, 5 या 4 डिजिट तक के कैलकुलेशन कराते हैं तो आप 15 रोड या 13 रोड के अबेकस ले सकते हैं, वो आपको प्राइस में भी कम पड़ेगा। 17 रोड, 15 रोड, 13 रोड, 7 रोड, जितनी ज़्यादा रोड होंगी उसका प्राइस उसके बेस पर ज़्यादा हो जाएगा। कैलकुलेशन सब में सेम है, कैलकुलेशन या मेथड कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल आप कितने डिजिट के कराना चाहते हैं उसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम हम लोग अबेकस से 5 और 6 रोड तक ही कराते हैं एडिशन, उस केस में आप लोग 15-13 ले सकते हैं, या अगर ज़्यादा कराते हैं आप लोग, 1-2 डिजिट ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो उस केस में आप 17 रोड ले सकते हैं। अब दूसरा हम लोग टाइप देखें कलर के आधार पर। देखें ये अलग अलग कलर के आते हैं, जैसे रेड कलर, येलो कलर, या हम बात करें मल्टी कलर्स, ठीक है ना, इस प्रकार के मल्टी कलर्स में भी ले सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि सर कौन सा बेस्ट रहता है, मल्टी कलर लेना चाहिए, रेड लेना चाहिए या येलो लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी रोड का लेंगे उससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका कॉमन यूज होता है, सेम यूज होता है। कलर तो खाली एक अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, बच्चों को अच्छा लगे उसके लिए हम लोग मल्टी कलर्स यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर मेरी पर्सनल एडवाइस मानी जाए तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको हमेशा रेड कलर का ही अबेकस सबसे ज़्यादा यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके पीछे रीज़न बताता हूँ, क्योंकि रेड कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और ये माइंड के अंदर इमेजिनेशन बनाने में ज़्यादा अच्छा हेल्प करता है अदर सब्जेक्ट की, अदर कलर की कंपेटिवली। अब हम लोग बात करें डिज़ाइन के बेस पर, तो देखते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं कितने सारे डिज़ाइन के हमारे पास अबेकस हैं। एक अबेकस ये है जिसके अंदर स्क्रू से उन रोड्स को हम लोगों को ज्वाइंट किया हुआ है,
इस प्रकार का ये डिजाइन का आधार अबेकस है और इसके बेस पर इसका साइज और इसकी रेट भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं एक डिजाइन ये भी है। तो अच्छा खासियत क्या है कि इसकी जो बिट्स है वो बिट्स का जो साइज है वो काफी ज्यादा है नॉर्मल बिट्स की कंपेटिवली। फिर बिट्स के बीच में स्पेस भी काफी है ताकि बच्चों को मूव करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके अलावा इसकी जो रॉड्स हैं ये लोहे की हैं, आयरन की हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में टूटने का चांस भी कम होता है। एक स्टूल देखें, ये अबेकस स्टूल, इंडियन अबेकस स्टूल। इसका सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि आप इसे अप करते हैं, बिट्स को अप करते हैं तो बिट्स अप ही रह जाता है। इस अबेकस का एक नुकसान ये है कि ये कॉस्टली आता है। दूसरा क्या है इसके, अब मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है। देखो आप ये देख रहे हैं तो ये ढीला हो जाती है और जिसकी वजह से एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है क्योंकि इसका मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जबकि इसके अंदर तो कोई मैकेनिज्म होता ही नहीं है और ये स्मूथली चलता है, ब्रेक होने के चांसेस भी कम होते हैं। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि अबेकस मार्केट में 4 टाइप्स के हैं क्वालिटी बेस पर। हम लोग नॉर्मली केवल 2 ही प्रकार के अबेकस का यूज करते हैं, फर्स्ट क्वालिटी एंड सेकेंड क्वालिटी। क्लियर? तो ये सारे के सारे अबेकस हैं। इसके साथ साथ इसी प्रकार टीचर अबेकस, जैसे आपने पीछे देखा टीचर अबेकस भी है हमारे पास, और टीचर अबेकस भी वैसे भी अलग अलग साइज में आते हैं। 7 रोड है, 17 रोड है या 13 रोड है, इस प्रकार के अलग अलग साइज में आते हैं। और आप कोई सा भी अबेकस यूज करें, बाकी मेरा मानना है एक 13 रोड जो अबेकस है और आपका काम 17 रोड से हो जाता है तो आप 15 या 17 रोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि अगर 17 रोड को अगर आप खरीदते हैं तो यूज़ तो वही आना है जो 13 रोड का है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था हम लोग मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 डिजिट तक का ही कैलकुलेशन कराते हैं, इसलिए 13 डिजिट 13 रोड वाले पे भी हो जाता है। तो 17, 19 या 15 रोड लेने की ज़रूरत नहीं है। किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप नेक्स्ट वीडियो, मेरे को कमेंट में लिखें तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं।